डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को। तो क्लास ट्वेल्थ के लिए जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, तो हम लोगों ने दर्शन कोण के बारे में पढ़ा था कि आखिर दर्शन कोण क्या है, उसको हम लोगों ने अच्छे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे उसके पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपको हम पहले दिन उसी दिन टॉपिक्स भी दिवाए थे, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन। तो टॉपिक बनाएंगे आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, ये टॉपिक्स है हम लोगों का। अब आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक्स बना लीजिए, और ये टॉपिक्स बनाने के बाद इसके नीचे फर्स्ट एरो देना है। फर्स्ट एरो देकर पहले लिखेंगे, फिर हम लोग उस बात को समझेंगे। तो लिखा जाए फर्स्ट एरो देकर, किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा, उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को, बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को यंत्र की आवर्धन क्षमता, यंत्र की आवर्धन क्षमता कहा जाता है कॉमा इसे यंत्र का कोणीय आवर्धन भी कहते हैं, इसे यंत्र का कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखे कि आवर्धन क्षमता क्या है। हालांकि अभी हम सब चीज को डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद सेकेंड एरो भी लिखा जाए, लिखेंगे आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन को, या कोणीय आवर्धन को M से सूचित किया जाता है, M कैपिटल M से सूचित किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे समझते हैं कि भाई आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या है। तो आपको जानना चाहिए कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं ना, जैसे मान लिया ये मार्कर है और इस मार्कर को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इस मार्कर को जब हम देख रहे हैं ना, तो इसका किरण आरेख जब खींचेंगे तो दो जगह पे मीट करेगा, एक सिर्फ आगे वाले नेत्र पर, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो नेत्र के पीछे वाले भाग रेटिना पे बनेगा। यानी कि किसी भी जब वस्तु को हम देखते हैं
तो दो ड्रे डायग्राम खींचा जाता है, एक सिर्फ और सिर्फ हमारा नेत्र पर और एक हमारे रेटिना पर जहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उसका दो तरह का रे डायग्राम होता है, एक वह जो हमारी खाली नेत्र पर पड़ता है यानी कि नेत्र के अग्रभाग पर पड़ता है और जिसको हम देख पाते हैं उस प्रतिबिंब जो बनता है, वह प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो उसका दो तरह का रे डायग्राम, दो जगहों पर हम लोग इसको स्केच करते हैं, एक खाली नेत्र पर और दूसरा रेटिना पर। जरा हम फिगर बना के आपको दिखाना चाहेंगे ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। ये रहा हमारा दोस्त मानव नेत्र। मानव नेत्र का फिगर ऐसा ही होता है, जरा और भी इसमें होता है जैसे लेंस टंगा हुआ रहता है, सिलियरी मांसपेशियां होती है, रेटिना होता है, कचाभ द्रव होता है, पुतली होता है, आइरिस होता है, बहुत तरह की चीजें होती है। हमको समझना उतना नहीं है, मान लो ये हमारा नेत्र है और यह एक मुख्य अक्ष का काम कर रहा है। यह डायग्राम ये भी एक काल्पनिक किया गया है कि यह हमारा नेत्र का मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को देखना है, जैसे मान लो कि इसी वस्तु को देखना है, तो इस वस्तु को जब देखना है ना दोस्त, तो इससे जो रे डायग्राम निकलेगा, सोचो ऐसे ही ना बनाए थे हम लोग, ये सोचो हमारे खाली नेत्र पर, नेत्र का आगे वाले भाग पर कुछ न कुछ दर्शन कोण बना रहा है और ये हमारा रेटिना है पीछे वाला भाग जिस पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, यही प्रतिबिंब है। तो इसके लिए ये वाला कोण बना रहा है, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम यही चीजें कहना चाह रहे हैं कि जो किसी वस्तु, जब किसी वस्तु को देखते हैं उससे जो रे निकलता है ना, वो एक नेत्र के खाली नेत्र पर, जिसको बोल रहे हैं खाली नेत्र का मतलब नेत्र का अगला भाग पर, और एक बनता है प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है। तो उसी के बारे में बोला गया कि यदि प्रतिबिंब का दर्शन कोण और खाली नेत्र पर के दर्शन कोण को डिवाइड कर दे, अनुपात कर दे, तब हम लोगों को आवर्धन क्षमता मिलता है या फिर कोणीय आवर्धन मिलता है, समझ रहे हैं बातों को। और हाँ, याद रखिएगा कि कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला में डिराइव करें, तो अभी हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं वो समझिए। पहला बात कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कोणीय आवर्धन, कोणीय आवर्धन बराबर जो, अब सब सवाल पूछेगा कि कोणीय आवर्धन चाहे आवर्धन क्षमता से क्या कहते हैं, तो आप यही बोलिएगा कि प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण, दर्शन कोण, और यहां लिखिएगा वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात कि आप ये फार्मूला को समझ पाएंगे तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान। क्या डेफिनेशन होगा आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन का, कि यदि प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात होता है वही कहलाता है आवर्धन क्षमता या फिर कोणीय आवर्धन, ठीक है। अब सबसे पहला बात कि आवर्धन क्षमता हो या कोणीय आवर्धन हो, इसको तो हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम, और प्रतिबिंब द्वारा जो बनाया गया दर्शन कोण है इसको हम लोग बीटा से सूचित करते हैं, किससे करते हैं बीटा, और वस्तु द्वारा बनाया गया जो दर्शन कोण है इसको कहते हैं अल्फा, यानी कि वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन को अल्फा से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन को
बीटा कहते हैं और प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण का जो अनुपात है वो कहलाता है आवर्धन क्षमता। अतः हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जहां पे बीटा और अल्फा क्या है, दर्शन कोण है, बीटा है प्रतिबिंब के लिए दर्शन कोण और ये है वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आवर्धन क्षमता मिलेगा। तो ये हम लोगों को आवर्धन क्षमता और कोणीय आवर्धन टॉपिक था। चलिए आगे के टॉपिक्स को करते हैं हम लोग। तो आगे का टॉपिक्स बनाया जाए सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी टॉपिक बनाएंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी ये टॉपिक्स, जिसको इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है, ये काम क्या करता है, इसका व्यंजक आखिर क्या होता है, आखिर ये कितना आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है किसी वस्तु को बड़ा करके देखना, इसीलिए सूक्ष्मदर्शी का मतलब हम ही हम लोग समझते हैं कि छोटा से छोटा कण को हम लोग बड़ा करके देख सकते हैं इसका यूज करके, किसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो चलिए सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में कुछ पॉइंट्स को पहले लिखते चलते हैं। पहला पॉइंट लिखा जाए, फर्स्ट पॉइंट, सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में, सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में कम फोकस दूरी वाला, कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है जिसके एक ओर, जिसके एक ओर इसके प्रकाश केंद्र, जिसके एक ओर इसके प्रकाश केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच, फोकस दूरी के बीच किसी वस्तु को रखकर, किसी वस्तु को रखकर दूसरी ओर से देखने पर, दूसरी ओर से देखने पर उसी वस्तु का, उसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, आवर्धित प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, इसे, इसे आवर्धक लेंस कहते हैं, इसे आवर्धक लेंस कहते हैं। चलिए तो सबसे पहला जो पॉइंट्स लिखे हैं ना दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो हम लोग लिखे कि यह वास्तव में कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है। आज से सीख जाइए कि हमारा आंख में भी जो है ना उत्तल लेंस है, कैमरा में भी उत्तल लेंस है और सूक्ष्मदर्शी में यानी कि छोटा से छोटा चीजों को देखने के लिए भी हम लोग उत्तल लेंस का व्यवहार करते हैं, लेकिन इसका फोकस दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो यह कम फोकस दूरी वाला यह उत्तल लेंस होता है जिसकी मदद से हम लोग छोटे से छोटे कण को विस्तृत रूप में, आवर्धित रूप में, बड़े रूप में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम लोग
किसी छोटे वस्तु को बड़े रूपों में देखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए लिखा गया है कि यह एक वास्तव में कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, जिसका उपयोग हम लोग किसी भी वस्तु को आवर्धित रूप देखने के लिए, आवर्धित मतलब बड़ा रूप देखने के लिए इसका यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके नीचे नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए, नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में दर्शन कोण का मान बढ़ाने के लिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी में दर्शन कोण का मान बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए वस्तु को लेंस के प्रकाश केंद्र ओ, कैपिटल ओ, तथा फोकस कैपिटल एफ के बीच एक स्थान पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब PQ लेंस के लेंस से d दूरी पर बन रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका फिगर कैसा बनेगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का जो फिगर बनता है, एक लेंस यूज किया जाता है, हम लोग को तो पता ही है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो उत्तल लेंस आप यूज कर लीजिए L, ठीक है, उत्तल लेंस का व्यवहार करना है L, और इस L में हम लोग जानते हैं कि प्रकाशिक केंद्र होता है कब, जब एक अक्ष पार करता है, ये हो गया हम लोगों का लेंस का मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। तो प्रकाशिक केंद्र को ओ से सूचित किया गया है, फोकस को एफ से सूचित किया गया है, और जहां वस्तु है उसको सूचित किया गया है पी क्यू से, यानी कि यह मेरा पी क्यू एक वस्तु है जो लेंस से कितना दूरी पर बोल रहा था कि डी दूरी पर है, यानी कि यहां से यहां तक के डी दूरी पर है हम लोगों का वस्तु, और इसके बीच में यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में और फोकस के बीच में एक हम लोगों का बन रहा है प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब का नाम है, अपने से नाम रख देते हैं ए बी, ये बी है, ये है, और इसका मान लेते हैं यहां से दूरी जो है प्रकाशिक केंद्र से एक्स है, और ये हम लोगों का प्रतिबिंब है। और इसका रे डायग्राम अगर हम लोग करें तो रे डायग्राम कैसे होगा, यहां से ए से दो डायग्राम निकलते हैं, एक सीधा चले जाते हैं, और अगर समांतर अगर इसको गुजारा जाए मुख्य अक्ष के, तो ये फोकस से होकर गुजरती हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं लेंस में दो फोकस होते हैं, तो यहां एफ फोकस है, तो मान लीजिए इसका फोकस एफ डैश है, चाहे कुछ और मान लेते हैं, तो यहां से गया समांतर, तो इस तरीके से। और दूसरा कि अगर हम लोग इसको प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं तो ये हमेशा क्या हो जाता है, प्रकाशिक केंद्र के पार हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये हम लोगों को वस्तु है, क्योंकि इसी से ये निकला हुआ पॉइंट है, इसको पीछे बढ़ाया गया और
इसको पीछे बढ़ाया गया तो ये हम लोगों को यहां पे मान लो कट कर गया, तो यहां पे कट कर गया तो मान लो कि यहां पे हम लोगों का वस्तु है। थोड़ा सा फिगर अच्छे से बनाइएगा है ना, स्केल से और पेंसिल से यूज करके बनाना है। तो ये है हम लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसको, यानी कि ये रहा हम लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी। तो दोस्त इसका फिगर बना लेना है और इसका फार्मूला जो है हम अगले दिन प्रूफ करेंगे। तो इस फिगर को आप ड्रॉ रखिएगा करके, और ये फिगर में ही हम लोग अगले दिन एक प्रूफ करेंगे कि आखिर सरल सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु को हम कितना बड़ा देख सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी फिगर को समझने के लिए, फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।